जय साथियों दोस्तों, इस वीडियो में बिहार सिविल कोड एग्जाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। 17 दिसंबर के बिहार सिविल कोड का एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड कब विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड कल ही जारी कर दिया गया था। सभी स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया है। बिहार दरोगा का एग्जाम पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है, ध्यान समझ लीजिए। अब बच रहा है आपको बिहार सिविल कोड का एग्जाम, तो इसके लिए स्टूडेंट बार बार पटना जा रहा है जो बिहार सिविल कोड का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि चार उस दिन एग्जाम है। 17 दिसंबर को चार एग्जाम है, झारखंड सीजीएल भी वही डेट में एग्जाम है और एक और एग्जाम बिहार का है, तो चार एग्जाम उस डेट में टकरा रहा। तो बिहार दरोगा का तो पोस्टपोन नहीं होगा, बिहार सिविल कोड का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में बात करने वाले। आपके मन में जितना भी डाउट है सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। चलिए बिना स्किप के वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो 17 दिसंबर को एग्जाम होगा बिहार सिविल कोड के या नहीं होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारा ऐसे 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताए थे हम लोग एक लेटर लिखे हैं बिहार सिविल कोड को एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए, एग्जाम जनवरी में लेने के लिए। तो दोस्तों जो लेटर हम लोग दिए थे वो लेटर एक्सेप्ट हो चुका है। हम ही नहीं, हजारों स्टूडेंट द्वारा एक लेटर लिखा गया था जो सिविल कोड का एग्जाम पोस्टपोन आगे करने के लिए, क्योंकि 17 दिसंबर के बिहार एसआई का एग्जाम है। तो सिर्फ सिविल कोड का ही एग्जाम आगे करने के लिए नहीं, बिहार एसआई का भी हम लोग लेटर लिख के दोनों हम आयोग को दिए हुए थे। ध्यान से लीजिए, जो आपको कमेटी बना हुआ है बिहार सिविल कोड का जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है, 4-5 जो कमेटी है उनको हम लोग दिए थे और बिहार एसआई के ऑफिस में भी हम लोग एक लेटर दिए थे जो दोनों में से एक एग्जाम को पोस्टपोन कर देने के लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अब बताइए सभी कैंडिडेट, मान लीजिए बिहार एसआई का भी बना हुआ है, वह बिहार सिविल कोड का भी एग्जाम उसी डेट में हो रहा है और झारखंड सीजीएल भी एक और एग्जाम हो रहा है, तो स्टूडेंट कहाँ जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो इसीलिए सभी को, तो बिहार एसआई का देखिए एडमिट कार्ड भी आ चुका है तो पॉसिबल नहीं है, बिहार एसआई का डेट आगे बढ़े, उसके बाद सिविल कोड का ही आपको डेट आगे बढ़ेगा और जनवरी में एग्जाम होगा जो हम लोग लेटर लेके दिए थे। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट भी किया हुआ था उस वीडियो में जो आप क्या आप जज हो गए जो आप लिख के दिए और पोस्टपोन हो जाएगा एग्जाम। तो दोस्तों हमको भी पता है जो मेरे कहने से पोस्टपोन नहीं होगा, मेरे जैसा हजारों स्टूडेंट लेटर लिख के और ऑफिस जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, सर बिहार सिविल कोड का एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए, आप जनवरी में एग्जाम लीजिए, क्योंकि एक ही डेट में एग्जाम नहीं हो पाएगा, कहीं एक ही एग्जाम हम लोग दे पाएंगे। तो इसी के लिए सभी स्टूडेंट बार बार लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद विभाग को मेल किया जा रहा है, जो आपको आयोग है जो बिहार सिविल कोड एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनको मेल किया जा रहा है। तो दोस्तों 2 से 3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा, 2 से 3 दिन में आपको लेटर देखने को मिल जाएगा। आज भी आपको लेटर जारी हो सकता है, कल भी आपको लेटर जारी हो सकता है, 2 से 3 दिन में आपको लेटर जारी हो जाएगा, क्योंकि बिहार सिविल कोड का एग्जाम ही आगे बढ़ेगा, बिहार एसआई का एग्जाम नहीं आगे बढ़ेगा, क्लियर कट हम आपको बताते हैं। और मेरे कहने पर हमको भी पता है, 1 साल 6 महीना हम लोग लड़े तब एग्जाम नेट हम लोग निकलवाए, क्योंकि बिहार सिविल कोड के बारे में कितना हम लोग ट्विटर कैंपेन किए, कितना मेल किए आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा यूट्यूब पर मेल करवाए, सब कुछ करवाए, तो पप्पू सर करवाए बीएसटी की क्लासेज वाले, और सबसे पहले हम आपको बिहार सिविल कोड एग्जाम के डेट के बारे में भी हम ही आपको बताए थे। तो दोस्तों अभी विभाग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है सिविल कोड की तरफ से जो पोस्टपोन हो गया है और एग्जाम आपको दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में आपका एग्जाम होगा स्टेनोग्राफर कोड रीडर का, या जनवरी के बाद एग्जाम होगा, क्योंकि अभी क्लर्क और प्यून का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टेनोग्राफर कोड रीडर का एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो पटना में ही इसका एग्जाम ऑर्गेनाइज होता एक ही जिला में, और बिहार एसआई का एग्जाम दोनों शिफ्ट में पूरे बिहार में होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो बिहार एसआई का पोस्टपोन एग्जाम नहीं होगा, ध्यान से समझ लीजिए, बिहार एसआई का कभी पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड भी आ गया। पोस्टपोन होगा तो सिविल कोड का ही पोस्टपोन होगा, उस डेट में एग्जाम नहीं होगा, 2 से 3 दिन में आपको लेटर देखने को मिल जाएगा आपका एग्जाम किस डेट में हो रहा है। आज भी आपको लेटर जारी हो सकती है, कल भी लेटर जारी हो सकती है, या परसों भी आपको लेटर जारी हो सकती है, 1 से 2 दिन में आपको लेटर देखने को मिल जाएगा जो सिविल कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आपका एग्जाम जनवरी में लिया जा रहा है या जनवरी के बाद आपको एग्जाम लिया जा रहा है। या स्टूडेंट के हक के लिए, हम भी एक कैंडिडेट है सिविल कोड का, बिहार एसआई का भी कैंडिडेट है, सीजीएल का भी कैंडिडेट, आप सोचिए एक ही कहां बैठेगा आप भी बताइए। तो इसीलिए जो भी किया जा रहा है सभी स्टूडेंट को हित के लिए किया जा रहा है, इन्हें अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, सभी स्टूडेंट के हित के लिए ही सोचते हैं। और दिलीप जी है और भी कैंडिडेट है, सभी स्टूडेंट ध्यान समझे, जो भी स्टूडेंट है सभी अपने लिए ही सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में ही सोचते हैं। आप ही मानिए उस दिन में अगर बिहार
एसआई का भी एग्जाम हो रहा है, सिविल कोर्ट का भी एग्जाम होगा, सीजीएल का भी एग्जाम होगा, आज सभी स्टूडेंट उसी डेट में अगर एग्जाम होगा तो स्टूडेंट कहाँ बैठेगा, हमको ही बताइए, आप ही बताइए। सब बोल रहे थे नहीं बिहार एसआई को पोस्टपोन कर दीजिए, 2 महीना पहले ही वैकेंसी निकला था, ठीक है। अरे उनको भी लेटर दिया गया, वो नहीं माने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। सिविल कोर्ट को भी लेटर दिया गया, वो भी नहीं मानेगा उसी डेट में एग्जाम लेंगे, भविष्य तो स्टूडेंट को बर्बाद होगा ना। इसीलिए सारे डाउट क्लियर हो गया है, आप लोग मैसेज नहीं कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, इतना कॉल नहीं कीजिए, आप वेट कर लीजिए, 1 से 2 दिन में आपको सिविल कोर्ट की तरफ से सारा चीज देखने को मिल जाएगा, जो आपका स्टेनोग्राफर कोऑर्डिनेटर का एग्जाम किस डेट में होने जा रही है, क्योंकि 17 दिसंबर को एग्जाम तो 100% है नहीं होगा, जो 1 से 2 दिन में आपको लेटर विभाग जारी करके क्लियर कर देगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही रीजन था, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, और ये भी बता दिए जो बिहार एसआई के लिए भी हम लोग आयोग के उनको भी हम लोग लेटर लिखे थे, सिविल कोर्ट को भी हम लोग लेटर लिखे थे, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, बट बिहार एसआई को तो नहीं हुआ पोस्टपोन, सिविल कोर्ट का ही पोस्टपोन हो जाएगा, जो कि 1 से 2 दिन में आपको लेटर देखने को मिल जाएगा। तो आपके मन में जितना भी डाउट है सारे डाउट क्लियर कर दिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और फेसबुक पर वीडियो को देख रहे तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसा ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।